आज हम बनाएंगे मूली का अचार। सर्दियों में मूली बहुत ही आसानी से मिलती है और ये अचार बनती भी है बहुत ही फटाक से और खाने में स्वादिष्ट भी होती है। दोस्तों, मूली पेट के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। अगर हम हर रोज़ खाने के थाली में एक मूली का अचार इस्तेमाल करते हैं तो पेट की बहुत सारी परेशानियों से हमें राहत मिल सकती है। इस अचार को बनाना बहुत ही आसान है। बनाइए एक बार और साल भर स्टोर करिए। बस एक बात का ध्यान रखना है कि अचार बनाते वक्त आपके हाथ सूखे होने चाहिए, गीले नहीं होने चाहिए और साफ़ सुथरा बर्तन का इस्तेमाल करिए, वरना अचार ज़्यादा दिन टिकेगा नहीं। जय हिंद फ्रेंड्स, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, स्वागत है हमारी किचन में। अचार के लिए हमने ले लिए 250 ग्राम मूली, उसे छील कर धोकर गोल गोल स्लाइस काट लिए, और लेना है कुछ हरी मिर्च, उसे धोकर बीच से चीरा लगा लीजिए। अब मूली और हरी मिर्च को एक सूखे बर्तन में फैलाकर कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए ताकि उसका मॉइस्चर निकल जाए। अब लेना है 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच अजवाइन, 1/2 चम्मच काला जीरा, 1 चम्मच सरसों। ये सारा मसाला को गर्म कढ़ाई में सूखा भूनकर पाउडर बना लीजिए। और लेना है हल्दी, नमक और 2 पाती नींबू। अब वो भुना हुआ पाउडर, नींबू का रस, हल्दी, नमक, हींग, सरसों का तेल सारा इसमें मिक्स कर दीजिए। अगर आपको कच्ची इमली मिल जाए तो कच्ची इमली को ही बॉईल करके उसका पानी छानकर इस अचार में मिलाइए नींबू की जगह, इससे इस अचार का स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। खट्टा डालने के बाद इसे प्लास्टिक के बर्तन में बदल दीजिए, 2 दिन कड़ा धूप दिखाइए, उसके बाद एक कांच का या फिर प्लास्टिक का जार में इसे भर लीजिए और हफ्ता भर में तैयार हो जाएगा ये आपका मूली का अचार, खाने लायक बन जाएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मेरे हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे।